गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्म कर दें कि सब बच्चे रेडी हैं हमारी आज की इस क्लास के लिए जिसके अंदर हम लोग ऑर्गन पाइप को बिल्कुल वन एंड फॉर ऑल कंप्लीट करने वाले हैं ऑर्गन पाइप्स आपके फिजिक्स के सिलेबस के ट्वेंटी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ट्वेंटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और इसी टॉपिक को हम लोग थियेरी क्वेश्चन और पी की हेल्प से ये वाली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है सो आई एम होपिंग एवरी वन इज विजिबल किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है ताकि फिर हम लोग हमारी आज की क्लास की शुरुआत कर सके फटाफट से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल क्लियर क्या बात है क्या बात है ओके okay. तो मैं बता दूं बच्चों कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना तो पिछले टेन इयर्स में ध्यान दीजिएगा ठीक है पिछले टेन इयर्स में यहाँ से आठ प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है और अभी तो मैं उन पी वाई क्यूज़ को काउंट भी नहीं कर रही हूँ जो ट्यूनिंग फॉर्क में से आए हैं मतलब जो रेजोनेंस कॉलम्स में से आए हैं या फिर जो स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग के ऊपर आए हैं क्योंकि अगर मैं उनको भी काउंट कर लूँ तो पिछले दस सालों में फिर यहाँ से ग्यारह से बारह ईयर क्वेश्चन निकलेंगे लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो स्टेशनरी वेव्स के ऊपर नहीं है चार घंटे की क्लास नहीं होने वाली है ये आज की जो क्लास है वो सिर्फ इसके ऊपर है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो ऑर्गन पाइप्स के अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं तो ये वाले टॉपिक को हम लोग अच्छे से पाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं अगर मानो तुम लोग ये वाला टॉपिक पहली बार कर रहे हो या फिर अगर तुमने टॉपिक पहली बार न, पहले नहीं किया है तो मैं सब समझ आएगा ठीक है तुम्हें उतनी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी जितना नॉलेज मैं इस क्लास में प्रोवाइड करने वाली हूँ इस टॉपिक को समझने के लिए ठीक है बाकी मैं सब बच्चों को बता दूं कि जो हमारा पार्थ ए आई टी एस है जो हमारी पार्थ ही ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है उसका पहला टेस्ट आज है तो अगर किसी बच्चे ने इस टेस्ट सीरीज को नहीं लिया है तो बच्चों इस टेस्ट सीरीज को सब बच्चे ले लेंगे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट

ठीक है जी अब अगर मैं आऊं कि भाई यहाँ पर हम लोग अभी कहाँ पर चल रहे हैं तो देखो हम लोगों ने सोचा था ट्वेंटी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करेंगे ग्यारह टॉपिक्स बच्चों हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारी क्लास है ऑर्गन पाइप्स के ऊपर है ठीक है तो इसको भी निपटाएंगे क्लास का पी डी एफ एज वेल एज ऑर्गन पाइप्स के ऊपर मेरे हैंड सेलेक्टेड क्वेश्चन की डीपीपी तो हम लोग को अड्डा टू फोर सेवन की आपके ऊपर मिल जाएगी तो मैं सिर्फ आपको डाउनलोड करना है अपने नंबर की हेल्प से ओ सिस्टम जानते ही होगे लॉग इन कर लो नीट यू जी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर एक वीडियोस का ऑप्शन शो होगा तो वीडियोस के ऑप्शन में ये वाली क्लास के रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और इस रिकॉर्डिंग से अटैच तुम्हें क्लास का पी डी एफ और डी भी मिलेगा बाकी मानो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाई रब्बा इतनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी तो इससे ज़्यादा बेटर है कि तुम लोग सिर्फ ये जो नीट अड्डा टू फोर सेवन का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है जी

चलिए तो अब सब बच्चे तो देखो जो ऑर्गन पाइप्स है ना मैं तुम्हें बता रही हूँ ऑर्गन पाइप्स एक एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है जैसे कि अगर मानो तुम्हें न्यूटन के का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता तो फिर केडी रॉकेट प्रोपल्शन है ना तुम्हें कभी भी नहीं समझ आएगा तो उसी तरीके से अगर मानो तुम स्टेशनरी वेव्स को नहीं जानते हो तो तुम कभी भी ऑर्गन पाइप्स नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले स्टेशनरी वेव्स को समझना इम्पोर्टेंट है अगेन ऐसे डिस्कशन करना है जैसे कि अगेन आज ट्वेंटी ज्यादा हमें में इतना ज्यादा नहीं डिस्कस करना है जितना टाइम हमें नहीं अलाउ करता है लेकिन डिस्कस सब करना है तो बेसिकली अगर मैं स्टेशनरी वेव्स की बात करूँ तो स्टेशनरी वेव्स तब बनती हैं जब दो वेव्स बिल्कुल सिमिलर नेचर की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए टकराएगी जैसे कि मानो अगर मैं बच्चों तो मैं ये बोलूँ कि भाई ये दो के की बॉडी है ऐसे दस मीटर पर सेकेंड से, से मूव कर रही थी फिर ये दो के की बॉडी है ये भी ऐसे दस मीटर पर सेकेंड से, से मूव कर रही थी और कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ टकरा के चिपक गए तो मुझे अच्छे से पता है कि अब यहाँ पर जो चार के बनेगा उसकी वेलोसिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कुछ ऐसा ही यहाँ पर होता है बच्चों जब दो वेव्स बिल्कुल सिमिलर नेचर की लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए एक दूसरे के साथ टकराती है

ये आ गया मेरे पास ये वाला पोर्शन तो ये थी मेरे पास ट्रैवलिंग वेव तो दो ट्रैवलिंग वेव है ना दो ट्रैवलिंग वेव सिमिलर नेचर की आके जब एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जो रिजल्टेंट वेव बनती है तो इस रिजल्टेंट वेव को स्टेशनरी वेव बोला जाता है ध्यान से देखिएगा इस रिजल्टेंट वेव को बच्चों स्टेशनरी वेव बोला जाता है और इस स्टेशनरी वेव्स में दो पॉइंट्स होते हैं ठीक है ध्यान से देखना इस स्टेशनरी वेव में दो पॉइंट होते हैं एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोट है ना एक पॉइंट को हम लोग लो बोलते हैं नोट तो नोट बेसिकली वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पर जो पार्टिकल्स हैं कभी भी कोई डिस्प्लेसमेंट शो ही नहीं करेंगे जैसे कि ये तीन पॉइंट्स देखो इन तीन पॉइंट्स के ऊपर जो पार्टिकल है स्टेशनरी वेव है ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है ट्रैवलिंग वेव में ये वाला जो पार्टिकल है उसके पास वो एक टाइम के ऊपर जीरो की डिस्प्लेसमेंट भी शो करेगा एक टाइम के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी शो करेगा लेकिन ये स्टेशनरी वेव है स्टेशनरी वेव के अंदर जो वेव है ट्रैवल नहीं कर रही होती है तो अभी मैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं पार्टिकल की एम्पलीट्यूड की बात कर रही हूँ जैसे ट्रैवलिंग वेव में मानो अगर एम्पलीट्यूड पाँच मीटर का है तो एम्प्लीट्यूड पाँच मीटर का ही रहेगा वो वेव का एम्पलीट्यूड है है ना अब उस ट्रैवलिंग वेव में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे के सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड पाँच मीटर रहेगा लेकिन ऐसा स्टेशनरी वेव में नहीं होता है स्टेशनरी वेव में बच्चों डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसमेंट दैट इज बींग शोन बाई द पार्टिकल एट टी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिसप्लेसमेंट दैट द पार्टिकल कैन शो तो यहाँ पर मेरे पास दो तरीके के पार्टिकल्स आ जाते हैं एक तो नोड आ गया ध्यान से देखना एक मेरे पास नोड आ गया जिनका एम्प्लीट्यूड जीरो होता है ध्यान दीजिएगा एक तो मेरे पास नोड आ गया जिसका एम्प्लीट्यूड जीरो होता है तो मैं अभी स्टेशनरी वेव तो मैं उतना बता रही हूँ जितना रिक्वायर्ड है ऑर्गन पाइप्स के लिए है ना और उसी तरीके से एक मेरे पास एंटी नोड आ जाते हैं तो एंटी नोड बेसिकली वो वाले पॉइंट्स हैं ठीक है जहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे बिल्कुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होंगे

द एम्प्लीट्यूड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स जो कि हम लोगों को वेव में देखने को नहीं मिलता है जैसे कि मानो अगर बच्चों में वेव की इक्वेशन लिखूँ दैट वाई इज इक्वल टू फाइव साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स तो तुम देखो ना कि वेव के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड पाँच है ऐसा नहीं होगा कि एक वेव के ये वाले पॉइंट का ये वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड इतना है एक वेव के ये वाले पॉइंट का एम्प्लीट्यूड इतना है नहीं जी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन एम्प्लीट्यूड तो सेम रहेगा तो मानो अगर मेरे पास वेव की इक्वेशन ये है तो आई कैन से कि ये वाली वेव के लिए जो एम्पलीट्यूड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल शो कर सकते हैं वो पाँच है मैं तुम्हें तो अलग चीज़ ये बता रही हूँ कि स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है स्टेशनरी वेव के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास एक तो ऐसे पॉइंट आ गए जिनका एम्प्लीट्यूड ही जीरो है मतलब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही जीरो शो करते हैं मतलब ये वाले जो पार्टिकल्स है हमेशा रेस्ट के ऊपर रहेंगे मानो मैं तुम्हें तो बोलूं कि एक बच्चे को इतना ज्यादा आता है एक बच्चे ने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि वो जितने मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं नीट के एग्जाम में वही जीरो है है ना वही जीरो है तो उसके हमेशा जीरो मार्क्स आएंगे ये वो बात है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ जीरो वो मेरे पास नोड्स आ गए जिनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिनका जो एम्पलीट्यूड है वही जीरो है और जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है ध्यान से देखिएगा जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो सारे के सारे और पॉइंट्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम है उनको एंटी नोड बोला जाता है so, तो तुम्हें अभी यहाँ पर ये समझने को मिला है कि स्टेशनरी वेव में द दिट्यूड ऑफ द द पार्टिकल्स ऑफ द पार्टिकल्स इज डिफरेंट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशन ये देखो ये जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना बच्चों ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम तो, क्योंकि अभी मैं चाहे मैं तुम्हें ऑर्गेन पाइप्स के वो जो तीन चार फार्मूलाज हैं वो मैं तुम्हें अभी करवा दूंगी दस मिनट में हमारे पी वाई क्यूज भी बन जाएंगे ऑलमोस्ट दिक्कत बस ये है कि अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर बाद में जस्ट बिकॉज तुम्हें फॉर्मूलाज अप्लाई करने आते हैं तुम्हें कंसेप्ट नहीं पता था तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे तो ये सारी डिस्कशन जो अभी हो रहे हैं वो हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हो रहे हैं तो यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा है फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव तो स्टेशनरी वेव बनती कैसे है अब ध्यान से देखिएगा दोबारा से मतलब हमारे इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए ये देखो ये मेरे पास इस तरीके से स्टेशनरी वेव आ गई है ना ये देखो ये मेरे पास ऐसे एक स्टेशनरी वेव आ गई तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यहाँ से शुरू करते हैं चीज़ों को मेजर करना मान लो यहाँ पर मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो मानो तो तुम लोग देख पा रहे हो कहाँ कहाँ पे नोड्स बन रहे हैं हाँ जी येलो में नोड्स को बनाते नोड्स क्या है नोड्स वो पॉइंट पॉइंट कि अगर उन उपर, अगर उन के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही जीरो शो कर सकते हैं मतलब उनका एम्पलीट्यूड ही जीरो है तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है हर एक टाइम के ऊपर जीरो ही रहेगा तो नोड मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर देखने को मिल रहा है

नू? फिर तीन बार आया फिर मतलब कितना है टू लेमडा के डिस्टेंस के ऊपर फिर पांच बार लेमडा बाई टू आया तो देखो इन सारे के सारे पोजिशन के ऊपर गौर फरमाइएगा इन सारे के सारे पोजिशन के ऊपर तुम लोगों को नोड मिलता है तो ये तो मैंने तुम्हारा तुम्हें बता दे कि कौन कौन से पोजिशन्स के ऊपर तुम्हें नोड मिलता है उसी तरीके से अब तुम फेज एंगल भी डिफाइन तुम लोगों को फेज एंगल भी डिफाइन करना आना चाहिए कि एक तो फेज एंगल जीरो के ऊपर फिर फेज़ एंगल पाई के ऊपर फिर फेज़ एंगल टू पाई के ऊपर फिर फेज एंगल थ्री पाई के ऊपर फिर फेज़ एंगल फोर पाई के ऊपर फिर फेज़ एंगल फाइव पाई के ऊपर सबके ऊपर हमें नोट मिलेगा तो ये सारी वो पोजिशन है और ये सारे वो फेज एंगल जिनके ऊपर हम लोगों को नोट देखने को मिलते हैं ठीक है अब मानो बच्चों अब की बार अगर मैं सिमिलर डिस्कशन करूँ लेकिन अब की बार मैं सिमिलर डिस्कशन करूँगी एक एंटी नोट के लिए ध्यान से देखना और इसके बाद हमारा मतलब आ, मैं अभी तुम लोगों को बेसिकली वो नॉलेज दे रही हूँ अच्छे से जिसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गन पाइप्स को समझने के लिए ताकि अगर मानो किसी बच्चे ने पहले अगर ऑर्गन पाइप्स का वाला टॉपिक नहीं किया है तो तुम्हें सारी चीजें अच्छे से समझ आए तो ये वो वाले प्रिकर्सर नॉलेज है तो ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई नोड्स के परस्पेक्टिव से कि कौन कौन से डिस्टेंस के ऊपर और कौन कौन से फेज एंगल के ऊपर हम लोगों को नोड्स नजर आ रहे हैं अब मैं सेम डिस्कशन बच्चों अगर मैं आंटी नोट्स के लिए करूं कि भाई बताओ कौन कौन सी पोजीशंस के लिए हाँ जी कौन कौन सी पोजीशंस के लिए और कौन कौन से फेज एंगल के लिए मुझे आंटी नोट मिलेगा तो क्या दिक्कत है देखो ना एक आंटी नोट मुझे यहाँ पर मिला एक आंटी नोट मुझे यहाँ पर मिला एक आंटी नोट यहाँ पर मिला एक आंटी नोट यहाँ पे एक एंटी नोट यहाँ पे एक आंटी नोट यहाँ पे तो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो ये देखो वन बाई फोर्थ देव लेंथ हमें अच्छे से पता है ये पूरी की पूरी वेवलेंथ है ये आधी वेवलेंथ है और ये वन फोर्थ वेवलेंथ है तो एक तो आ गया वन फोर्थ वेवलेंथ के ऊपर मतलब लेमडा बाय फोर के ऊपर फिर तीन बाय वन फोर्थ आ गया मतलब थ्री लेमडा बाय फोर देखो फिर बच्चों बाद में वो पांच बार वन फोर्थ आ गया तो मेरे पास आ गया फाइव लेमडा है ना फिर जरा सा देखो वो सात बार आ गया तो ये मेरे पास आ गया एंड सो so है कि नहीं और अब मानो अगर मैं फेज एंगल्स की बात करूँ तो फेज एंगल भी बता सकती हूँ कि भाई ये नाइनटी डिग्री है मतलब कितना पाई बाई टू फिर ये तीन बार नाइन्टी डिग्री के ऊपर है सो थ्री टाइम्स ऑफ पाई बाई टू फिर ये फाइव टाइम्स ऑफ नाइन्टी डिग्री के ऊपर है सो फाइव टाइम्स ऑफ पाई बाई टू हैगे नहीं फिर येवन टाइम्स ऑफ नाइनटी डिग्री के ऊपर है सो सेवन टाइम्स ऑफ़ पाइव बाई टू फिर ये नौ बार नाइन्टी डिग्री के ऊपर है नाइन टाइम्स ऑफ फाइव बाई टू फिर ये ग्यारह बार फिर ये ग्यारह बार नाइन्टी डिग्री के ऊपर है सो इलेवन टाइम्स ऑफ पाइव बाई टू तो ये सारी चीज़ें रटने वाली नहीं है तो मैं एक डायग्राम बना दूँगी तो सबसे जेनवइन चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों ने देखा ना ये डिस्टेंस के टर्म्स में लेमडा फाइव बाई फोर है एंगल के टर्म्स में नाइन्टी डिग्री है तो देखो ये वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसा तीन बार लेमडा बाई फोर आया है ना तीन बार नाइन्टी डिग्री आया है तो ये हो गया डिस्टेंस ये हो गया एंगल यहाँ तक पहुंचने के लिए तुम देखो पांच बार लेमडा बाई फोर आ रहा है तो डिस्टेंस हो गया मेरे पास कितना फाइव लेमडा बाई फोर और उससे एसोसिएटेड एंगल कितना हो गया फाइव टाइम्स ऑफ नाइन्टी डिग्री ये वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात बार लेमडा बाई फोर आ रहा है तो डिस्टेंस हो गया 7 4, और एंगल हो गया टाइम्स ऑफ डिग्री तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये वो प्रिकर्सर नॉलेज है नोड्स और एंटी नोड्स के बारे में जिनकी नॉलेज तुम लोगों को होनी चाहिए कोई इक्वेशन मैंने देखो किसी भी इक्वेशन से रूबरू मैंने तुम्हें नहीं करवाया है मैंने तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट बताया है और सिर्फ इतने कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है अगर तुम लोग ऑर्गन पाइप्स को बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हो सो दिस इज द प्रायर नॉलेज दिस इज दी प्रायर नॉलेज अबाउट द स्टेशनरी वेव्स दैट ऑल ऑफ यू मस्ट है टू अंडरस्टैंड ऑर्गेन पाइप अगर ये प्रायर नॉलेज तो मैं समझ आ चुकी है कि भाई एक स्टेशनरी वेव में दो पॉइंट्स होते हैं क्योंकि स्टेशनरी वेव ट्रैवलिंग वेव से अलग है ट्रैवलिंग वेव में भले ही डिसप्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का अलग हो लेकिन एम्पलीट्यूड तो सारे पॉइंट्स का सेम होता है ना क्योंकि एम्पलीट्यूड एक वेव का होता है लेकिन हमने देखा कि जब दो सिमिलर ट्रैवलिंग वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई सुपर इम्पोज करती है तो फिर बाद में यहाँ पर जो वेव बनती है वो स्टेशनरी वेव है और स्टेशनरी वेव के बारे में एक डिस्टिंक्ट uh, चीज़ ये है कि डिस्प्लेसमेंट तो खैर टी टाइम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का अलग होगा ही वो तो वेव का नेचर ही होता है लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का अलग अलग है तो जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम है जीरो है उनको नोट्स बोल दिया गया है और जिन पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उनको एंटी नोट्स बोल दिया गया है और इसी डिस्कशन को बच्चों अभी हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने देखा है कि कौन सी पोजिशन्स के ऊपर और कौन से फेज एंगल के ऊपर हम लोग को नोड मिलेंगे और उसी तरीके से कौन सी पोजिशन के ऊपर और फेज एंगल के ऊपर हम लोग को एंटी नोड मिलेंगे दैट इज इट दिस इज ऑल एवरी थिंग दिस इज एवरी थिंग दैट यू नीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑर्गन पाइप्स तो अब जो बच्चों हमारे डिस्कशन है ऑर्गन पाइप के टूवर्ड जाएगा लाइक कर दो इस सेशन को अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं लाइक like किया है और हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हुए तो organ pipes होते सबसे पहले ये समझ लो तो बेसिकली बच्चों ऑर्गेन पाइप मेरे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर स्टैंडिंग वेव्स एग्जिस्ट करती है जैसे कि अगर मैं दो तरीके के ऑर्गन पाइप होते हैं क्या है ऑर्गन पाइप एक ऐसा डिवाइस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स एग्जिस्ट करती है और जिसकी जो वर्किंग है वो भी स्टैंडिंग वेव से डिफाइन होती है तो ये ऑर्गेन वाइब्स दो तरीके के होते हैं बहुत जेन्यन है ये तुम आराम से नी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के एग्जाम में यहाँ से चार मार्क्स को लॉक लॉक कर सकते हो और ये तुम्हें प्रूव करने के लिए मेरे पास आज के क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन है अभी के लिए बिल्कुल सुनते जाना रिपीटेशन ही रिपीटेशन चलेगा तो मैं बोल रही थी कि ये जो ऑर्गन पाइप है दो तरीके के होते हैं अगर दोनों साइड से ओपन हो तो उसको ओपन ऑर्गन पाइप बोला जाता है और अगर मानो एक साइड से ओपन हो और दूसरे साइड से क्लोज हो तो उसको क्लोज ऑर्गन पाइप बोला जाता है क्या बोला मैंने मैंने बोला अगर मानो दोनों साइड से ओपन है जैसे कि देखो ये वाली साइड से भी ओपन है ये वाली साइड से भी ओपन है तो ओपन ऑर्गन पाइप है अगर दोनों साइड से क्लोज नहीं अगर एक साइड से क्लोज और दूसरी साइड से ओपन है फिर उसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोला जाता है तो अभी ये जो ऑर्गन पाइप्स है ना इनका सच देखो उफ््स हाँ, तो मैं तुम्हें बोल रही थी जस्ट वन सेकेंड। एक मिनट मैं दोबारा से इसको शुरू करते हैं देखना आई एम होपिंग नाउ दी स्क्रीन इज विजिबल हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि ये जितने भी ऑर्गन पाइप्स उनका सच देखो क्या है सच इनका ये है कि जो ओपन एंड है ध्यान दीजिएगा इनका सच ये है कि जो ओपन एंड है उसके ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल शो कर रहे होंगे तो वहां पर मेरे पास एंटी नोड बनेगा और जो मेरे पास क्लोज एंड है वहां पर जो पार्टिकल्स है उनको डिस्प्लेसमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है वहां पर नोड बनेगा तो अगर मानू मैं तुम्हें बताऊं कि पहला फिर बताओ यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स इनके अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही होगी तो क्या बड़ी बात है ये देखो ये एक एंटी नोड फिर यहां पर ये आ गया नोड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है स्टेशनरी वेव और अगर मैं क्लोज्ड ऑर्गन की बात करूं तो यहाँ पर आ गया नोड और नोड के बाद यहाँ पर आ गया इस तरीके से एंटी नोड तो ये हमारी पहले पहला सिनारियो है कि पहले सिनारियो में जब छोटी से छोटी लेंथ एक स्टेशनरी वेव के की इनके अंदर आ सकती है तो दोनों जगह मुझे नोड बनाना है तो स्टेशनरी वेव का ये वाला हिस्सा आ गया यहाँ पर यहाँ पर नोड और यहाँ पर एंटी नोड बनाना है तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ गया अब मानो अगर मैं आगे वाले सिनारियों की बात करूं कि आगे कौन सी पॉसिबिलिटी है ये तो होगी हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी अब मानो अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो देखो यहाँ पर यहां पर एक एंटी नोट तो यहाँ पर भी तो मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई मेरे पास देखो सॉरी जो मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है सही बात है ये देखो ये मेरे पास इस तरीके से दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई अगर मानो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये देखो ये मेरे पास तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई सबसे पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आई ध्यान देना सबसे पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आई कि जो स्टेशनरी वेव है इस ओपन ऑर्गन पाइप में ऐसे एग्जिस्ट करेगी जब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये देखो दूसरी पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा था पहली पॉसिबिलिटी में दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं और उसी तरीके से फिर ये जो मेरे पास तीसरी पॉसिबिलिटी है तीसरी पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसे कितने तीसरी पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं तीसरी पॉसिबिलिटी में मुझे ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं और उसी तरीके से अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूं तो क्लोज ऑर्गन पाइप में पहली पॉसिबिलिटी में देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है अब मानो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी बनाऊं जहाँ पर क्लोज्ड के क्लोज्ड एंड के ऊपर नोड है और दूसरी जगह एंटी नोड है तो देखो ये नोड ये वाला स्ट्रक्चर आ चुका है तो दूसरा स्ट्रक्चर मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आएगी मतलब तुम देख पा रहे हो कि पहले वाले में जो स्ट्रक्चर बना था वन बाई फोर्थ वेवलेंथ का वो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी में तीन बार आ रहा है अगर इसके अग, इससे अगली पॉसिबिलिटी के बारे में मुझे बात करना हो तो नोट ठीक है ये देखो इससे आगे मेरे पास आया ये तो देखो यहाँ पर पहली वाली पॉसिबिलिटी में जो स्ट्रक्चर आ रहा था तीसरी पॉसिबिलिटी में मैं ये वाले स्ट्रक्चर को इस तरीके से पांच बार देख पा रही हूँ वट यू हैव टू अंडरस्टेंड दिस बनाई है जैसे कि देखना मैं अगर इनको एक साथ यहाँ पर तुम लोगों को दिखा दो ना तो तुम्हारा Wait, guys. क्या हो रहा है देशन इज नॉट वर्किंग देखो अभी मैं ना तुम लोगों को एक ही डायग्राम में बताती हूँ एक ही डायग्राम में दिखाती हूँ तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं थोड़ी सी और क्लियर होंगी कि देखो ओपन ऑर्गन पाइप का सच ये है कि दोनों जगह एक एंटी नोट बनना चाहिए ये देखो दोनों जगह एक एंटी नोट बनना चाहिए ये कंडीशन डेफिनेटली होनी चाहिए देर इज नो अदर वे अराउंड इट तो हमने देखा ये पहली पॉसिबिलिटी ये दूसरी पॉसिबिलिटी ठीक है फिर ये मेरे पास आ गई इस तरीके से तीसरी पॉसिबिलिटी मैं चौथी पॉसिबिलिटी भी बना सकती हूँ कोई दिक्कत नहीं है ये सारा का सारा ये जो टॉपिक है डायग्राम का गेम है इफ यू कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम प्लीज डू नॉट से दैट यू नो दिस टॉपिक जस्ट वेट होता है बच्चों जब आप इस तरीके से थर्ड पार्टी आपके कर रहे होते, कभी -कभी हो जाती है यहीं ये ये पे मैं एक ही स्लाइड uh, में मैं तुम लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज दिखाना चाहूंगी सारी तो नहीं लेकिन जो पहली चार पांच है उन पॉसिबिलिटीज को मैं दिखा सकती हूँ ये देखो पहली ये मेरे पास आई दूसरी अब यहाँ पर आएगी तीसरी फिर यहां पर आएगी चौथी और एक मैं यहां पर ले आऊंगी पांचवी तो देखो ये एक ये देखो पहले यहां पर बीच में कुछ नहीं था अब यहाँ पर एक लड्डू आ गया अब यहाँ पर दो लड्डू आ गए अगली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो ये आ जाएगा देखो बिल्कुल डायग्रामेटिक है ये ये फॉर्मूलाज में नहीं है फॉर्मूला सिर्फ कंक्लूसिव है वो आप बाद में करते हैं पहले आप कंसेप्ट समझते हैं ये देखो कि अगली पॉसिबिलिटी आ गई उससे अगली पॉसिबिलिटी की बात करूं चार एक दो तीन चार ये देखो एक बार एक ये देख पा रहे हो ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाई है क्योंकि अगर मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं तो बच्चों ओपन ऑर्गन पाइप का सच ये है कि दोनों जगह एंटी नोड्स बनने चाहिए तो मैंने पहली पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी तीसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारे सामने बना दी देख पा रहे हो बच्चे ऐसे रटते हैं ओनली ऑड हारमोनिक्स इवन हार्मौनिक्स आर हारमोनिक्स आर फॉर्म दैट इज बिकॉज दे नेवर डू दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स बिना डायग्राम के टॉपिक है ही नहीं आप रट कैसे सकते हो इस चीज को देखना एक बार पहले एक बार इसके बारे में बात करते हैं फिर क्लोज्ड में जाएंगे

तो मैं बोल रही हूँ कि मानो अगर मैं तुम्हें यहाँ यहीं पे पर कि भाई ये मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है जिसके लेंथ की वैल्यू है एल ठीक है यहाँ पर जो वेव है उसकी वेलोसिटी है बी उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू एंड ऑल तो क्या मैं यहाँ पर उसकी वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर सकती हूँ आई शुड बी एबल टू डिफाइन तुम देखो ना ये मेरी एक स्टेशनरी वेव का आधा हिस्सा है एक स्टेशनरी वेव देखो एक स्टेशनरी वेव मेरे पास ये होती है ना दिस इज़ माई वन स्टेशनरी वेव तो मुझे ये वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है ना तो ये आ गया तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ तो लेमडा की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय तो वेवलेंथ की वैल्यू हो गईसिटी बाई फ्रीक्वेंसी तो मैं बोलूँगी यहाँ पर जो वेव की वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू एल तो तुम देखो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई मेरे पास बी बाई टू एल सो दिस इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखिएगा इसी को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि जब मैं पहली पॉसिबिलिटी की बात करूँ दैट आई अंडरस्टैंड दी ट्रूथ की ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों साइड के ऊपर एंटीनोड बनेगा तो अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी को लेके अगर मानू मैं उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को लिखू तो वो वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट हारमोनिक भी बोला जाता है और उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है वट इज दिस दिस इज द फर्स्ट हारमोनिक नाम है इंग्लिश में मत फंसना इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है अब तुम देखो एल की लेंथ एल की लेंथ में यहाँ पर आधी वेव आ रही थी अब दूसरी पॉसिबिलिटी में एल की लेंथ में दो बार आधी वेव आ रही है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई ना तो अगर मानो मैं इससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी निकालू दैट शुड बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ म्यू नॉट फिर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अब की बार सेम लेंथ में ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं सेम लेंथ में ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल से ट्रिपल हो गई तो तुम देख पा रहे हो कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप में पहले वाली जो फर्स्ट हार्मोनिक है जो पहली पॉसिबिलिटी है अगर उससे एसोसिएटेड फ्रिक्वेंसी म्यूनॉट है तो दूसरी पॉसिबिलिटी से टू म्यूनॉट एसोसिएटेड होगी तीसरी से थ्री म्यूनॉट एसोसिएटेड होगी चौथी से फोर म्यूनॉट एसोसिएटेड होगी और पांचवीं से पाँच फाइव टाइम्स ऑफ म्यूनॉट एसोसिएटेड होगी क्योंकि तुम देखो यहाँ पर एल की लेंथ में जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर सेम एल की लेंथ में ऐसे स्ट्रक्चर्स दोबारा आ रहे हैं

तो इस कंसेप्ट को लगा के मैं देख पा रही हूँ कि जब मैं पहली पॉसिबिलिटी से दूसरी तक पॉसिबिलिटी तक जाऊँ फिर तीसरी तक जाऊँ फिर चौथी तक जाऊँ फिर पांचवीं तक जाऊँ तो जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल ऐसे चेंज होती है कि अगर पहले वाले से एसोसिएटेड म्यू नॉट है दूसरे वाले से टू म्यू नॉट होगी तीसरे वाले से थ्री म्यू नॉट होगी चौथे से फोर म्यू नॉट होगी पाँचवें से फाइव म्यू नॉट होगी अब हम ऐसा करेंगे अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में तो देखो बच्चों अभी अगर मानो अरे हाउ डू आई टेक दिस क्लास आई नॉट अफोर्ड स्टोरी लाइन टू बी ब्रोकन दिस मच इन सिंगल क्लास देखना अभी अब अगर मानो मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करूं तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का लॉजिक ये है कि जिस जो एंड क्लोज्ड है वहां पर नोट बनेगा और जो एंड ओपन है वहां पर एंटी नोट बनेगा तो जो पहली पॉसिबिलिटी है अगर मैं उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहूँ तो तुम देखो ना ये येमडा बाय फोर का हिस्सा है कि यहाँ पर एल की लेंथ में लेमडा बाय फोर की डिस्टेंस uh, कवर हो रहा है यहाँ पर पूरी की पूरी एल लेंथ में वन बाय फोरथ स्टेशनरी वेव आ रही है तो यहाँ पर एल की लेंथ में लेमडा बाय फोर एग्जिस्ट कर रहा है तो लेमडा मेरे पास क्या हो जाएगा डा मेरे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द वेव मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी तो बस यही जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है व्हाट इज दिस दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक कि ये हमारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट हार्मोनिक है फर्स्ट हार्मोनिक बोले तो पहली पॉसिबिलिटी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगे डो नॉट वरी अभी पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं पीवाई क्यूज बहुत ज्यादा ईजी है यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी पूछे जाते हैं तो so, ये तो हो गया फर्स्ट हार्मोनिक और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कि मानो अगर मेरे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ की वैल्यू एल है और जिसके अंदर जो साउंड है वो वी की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है या फिर जिसके अंदर जो वेव है वो वी की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी होगी और उसी तरीके से मानो अगर ओपन ऑर्गन पाइप में जो वेव है उसकी वेलोसिटी वी है और लेंथ एल है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। बाकी इन फॉर्मुला के ऊपर बाद में जाते हुए अभी एक बार जरा सा कंसेप्ट को अगर मानो मैं कंसेप्ट के ऊपर ही फोकस करूं तो देखो ना क्लोज ऑर्गन पाइप में ये वाला है। ध्यान देना यहीं पे तुम्हारे सामने बनाऊंगी पहले के पांच सिनारियोज अगर मैं बना दूं तो यहीं से क्लियर हो जाएगा तुम्हें हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी से फिफ्थ पॉसिबिलिटी तक जाने वाले हैं जैसे हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप में गए हैं वही मैं बोलती हूँ अगर तुम ये टॉपिक नहीं कर रहे हो कंसेप्चुअली या फिर डायग्रामेटिकली यू आर नॉट राइट

देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई अब तीसरी पॉसिबिलिटी जब यहाँ पर नोड आए और यहाँ पर एंटी नोड आए तो वो तीसरी पॉसिबिलिटी मैं ऐसे देख पा रही हूँ चौथी पॉसिबिलिटी जब यहां पर नोड आए और दूसरी जगह एंटी नोड आए तो वो मैं अब यहां पर देख पा रही हूं अगली पॉसिबिलिटी जब यहां पर नोड आए और दूसरी जगह एंटी नोड आए एक मिनट ये देखो तो वो आ गया मेरे पास ये यही है ना तो मैं तुम्हें और क्या बोल रही हूँ तुम देखो ना कौन सा स्ट्रक्चर रिप, रिपीट कर रहा है कि मानो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो अगर तुम लोग फंडामेंटल को ही देखोगे या फिर पहली पॉसिबिलिटी जिसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाता है उसको भी देखोगे तो यहाँ पर लेमडा बाई फोर आ रहा है और वो लेमडा बाय फोर हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी में तीन बार आ रहा है ये देखो लेमडा बाय फोर लेमडा बाय फोर लेमडा बाय फोर यही जो लेमडा बाय फोर है वो हमारी अगली पॉसिबिलिटी में पांच बार आ रहा है ये देखो एक ये आ गया एक ये आ गया फिर मेरे पास ये आ गया फिर मेरे पास ये आ गया फिर मेरे पास ये आ, आ गया तो इस टॉपिक को अगर समझना है तो प्लीज डायग्राम की हेल्प से करो अगली पॉसिबिलिटी में यही जो स्ट्रक्चर है वो छह बार नहीं आ रहा अब यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो अगली पॉसिबिलिटी में सात बार आ रहा है ये देखो बार ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है और उससे अगली पॉसिबिलिटी में ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा नौ बार आ रहा है देखो नौ बार ये स्ट्रक्चर लेमडा बाय फोर वाला स्ट्रक्चर तुम लोग देख पा रहे हो तो अभी बिल्कुल जेनवन होना चाहिए कि भाई अगर मानो पहली पॉसिबिलिटी से एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है तो दूसरी पॉसिबिलिटी में सेम लेंथ में ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी फिर ट्रिपल हो जानी चाहिए अगली पॉसिबिलिटी में सेम लेंथ में ऐसे पांच स्ट्रक्चर आ रहे हैं अगली पॉसिबिलिटी में सेम लेंथ में ऐसे सात स्ट्रक्चर आ रहे हैं अगली पॉसिबिलिटी में सेम लेंथ में ऐसे नौ स्ट्रक्चर आ रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पर इस तरीके से ये बोल सकती हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ़ द फ्रीक्वेंसी हाँ जी एक बार जरा सा देखो कि जो स्ट्रक्चर मुझे फंडामेंटल में देखने को मिल रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप में ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स आएंगे दूसरी पॉसिबिलिटी में ऐसे पांच स्ट्रक्चर्स आएंगे अगली पॉसिबिलिटी में तो अगर पहले वाले से एसोसिएटेड जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी अगर वो म्यू नॉट है अगले वाले से थ्री म्यू नॉट होगी अगले वाले से फाइव म्यू नॉट होगी अगले वाले से सेवन म्यू नॉट होगी अगले वाले से नाइन म्यू नॉट होगी अब यहाँ पर फिर बच्चों ये डिस्कस करने के बाद बच जाती है टर्मिनोलॉजीज की ये तो अभी हम लोग कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं अब मानो अगर मैं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर जाऊं तो सबसे पहले हारमोनिक देख लो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हारमोनिक होता है मतलब तुम ये लगा लो एक्चुअली आई शुड नॉट से दैट आई शुड से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर सिनारियों को डिफाइन करने के लिए दैट इज दारमोनिक तो अभी अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पर एच को मैं हारमोनिक के लिए डिनोट करने वाली हूँ देना यहाँ पर एच इज़ बेसिकली हारमोनिक इंग्लिश में मत फंसना कंसेप्ट हम लोग कर चुके हैं अब मैं तुम्हें बस ये बताने वाली हूँ इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है सो दिस इज़ वन टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये पहला हारमोनिक है नीचे वाला टू टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये सेकेंड हारमोनिक है नीचे वाला थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये थर्ड हारमोनिक है नीचे वाला फोर टाइम्स दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये फोर्थ हारमोनिक है उससे नीचे वाला फाइव टाइम्स ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये फिफ्थ हारमोनिक है तो हारमोनिक इज बेसिकली कि अगर आप उस सिनारियो की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स आ रही है जैसे कि क्लोज ऑर्गन पाइप में देख लो यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक बार आ रही है तो ये मेरे पास फर्स्ट हारमोनिक हो गया फिर तीन बार आ रही है तो ये मेरा थर्ड हारमोनिक हो गया फिर ये पांच बार आ रही है तो ये मेरा फिफ्थ हार्मोनिक हो गया फिर सात बार आ रही है तो मेरा ये सेवन हार्मोनिक हो गया फिर नौ बार आ रही है तो ये मेरा नाइन्थ हार्मोनिक हो गया तो कंसेप्ट तो हम लोग कर ही चुके हैं बच्चों मैं तुम्हें तो बता रही हूँ कि ये जो मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप का टॉपिक है ना इसमें तुम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी याद रख लोगे ना और सारी चीज़ें कंसेप्चुअली आएंगी तो अभी तुम लोगों ने देखा कि अगर मानू मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं ठीक है तो ओपन ऑर्गन पाइप में तो सारे के सारे हार्मोनिक्स बन रहे हैं देखो ओपन ऑर्गन पाइप में टू नॉट भी बन रहा है ओपन ऑर्गन पाइप में थ्री नॉट भी बन रहा है तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑर्ड भी प्रेजेंट होती है और इवन भी प्रेजेंट होती है इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए कि अगर मानू मैं ओपन ऑर्गन पाइप की बात करूं तो यहाँ पर ऑर्ड हार्मोनिक्स भी बन रहे हैं ठीक है और उसी तरीके से यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स भी बन रहे हैं लेकिन ऐसी सेम चीज बच्चों मैं यहाँ पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मुझे यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक फोर्थ हार्मोनिक सिक्स्थ हार्मोनिक एथ हार्मोनिक देखने को नहीं मिल रहा है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स तो बन रहे हैं लेकिन मैं यहां पर किसी भी तरीके के इवन हार्मोनिक को नहीं देख पा रही हूं ये देखो सब डायग्राम में है ये जो टॉपिक है वो डायग्राम में है दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों दूसरी टर्मिनोलॉजी में जैसे एक टर्मिनोलॉजी हो गई हार्मोनिक वाली दूसरी आ, मेरे पास टर्मिनोलॉजी होगी ओवरटोन वाली ओवरटोन ओवरटोन इज बेसिकली द पॉसिबिलिटी आफ्टर द हार्मोनिक जैसे कि देखो ये मेरा फर्स्ट हार्मोनिक है हम, मैं भी जानते हूं तुम भी जानते हो तो मैं बोलूँ फर्स्ट हारमोनिक के बाद जो पॉसिबिलिटी का नंबर है उतना ओवरटोन है जैसे कि देखो ये uh, मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बाद पहला पॉसिबिलिटी है तो ये फर्स्ट ओवरटोन है फर्स्ट हारमोनिक के बाद ये दूसरी पॉसिबिलिटी है तो ये सेकेंड ओवरटोन है फर्स्ट हारमोनिक के बाद ये तीसरी पॉसिबिलिटी है तो ये थर्ड ओवरटोन है तो ओवरटोन में तुम लोग क्या करते हो फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर चलते हो फर्स्ट हार्मोनिक के बेसिस के ऊपर चलते हो कि फंडामेंटल के बाद या फिर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद आप कौन सी पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं पहली पॉसिबिलिटी फर्स्ट ओवरटोन दूसरी पॉसिबिलिटी सेकंड ओवरटोन तीसरी पॉसिबिलिटी थर्ड ओवरटोन और उसी तरीके से चौथी पॉसिबिलिटी फोर्थ ओवरटोन देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी आफ्टर फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड पॉसिबिलिटी सेकंड ओवरटोन थर्ड पॉसिबिलिटी थर्ड ओवरटोन एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी फोर्थ ओवरटोन एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए अगेन ऑब्जर्व करने वाली चीज ये हैगन पाइप तो में अगर एंथ ओवरटोन है इसका मतलब एन प्लस वन हारमोनिक है देखो ओपन ऑर्गन पाइप में अगर थर्ड हारमोनिक है मानो ओपन ऑर्गन पाइप में सेकेंड ओवरटोन है मतलब थर्ड हारमोनिक है फोर्थ ओवरटोन है मतलब फिफ्थ हारमोनिक है थर्ड ओवरटोन है मतलब फोर्थ है तो अगर मानो तुम्हें ओपन ऑर्गन पाइप में ओवरटोन पूछा हुआ है तो तुम उसमें प्लस कर दो तो तुम्हारे तुम ये बता सकते हो कि वो ओवरटोन कौन सा हारमोनिक है क्लोज ऑर्गन पाइप में यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हारमोनिक है सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हारमोनिक है थर्ड ओवरटोन सेवेंथ हारमोनिक है फोर्थ ओवरटोन नाइन्थ हारमोनिक है तो ये ऑब्जर्वेशन हैं

ऑर्गन पाइप्स बिना डायग्राम के होगा नहीं जैसे ही डायग्राम चले जाते हैं ऑर्गन पाइप्स में वैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है ये हमारा ऑर्गन पाइप्स विल यू फाइंड डिफिकल्ट इन इट तुमसे क्या पूछा जाता है देखो या तो मैं तुम्हें तो क्वेश्चन बताती हूँ हेल्प से भी हम लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं देखना एक बार जस्ट वन सेकेंड हाँ तो अभी तुम्हें क्वेश्चन कैसे आएंगे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे ध्यान से देखिएगा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे मानो तुम्हें सबसे पहले बिल्कुल जेनुअन जेन्युन दो क्वेश्चन करवा दूँ एक ऑर्गन पाइप से एसोसिएटेड फिर क्लोज ऑर्गन पाइप से एसोसिएटेड भी ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप से एसोसिएटेड कि मानो मैं तुम्हें ये बोलूँ कि भाई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ओपन ऑर्गन पाइप की है उसकी वैल्यू है फिफ्टी हर्ट्स तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ भाई बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दिक्स हार्मोनिक ठीक है मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ओअर डॉ तो ओपन ऑर्गन पाइप में हम लोगों ने देख लिया ना कि सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिक्स सो दिस इज सिक्स टाइम्स ऑफ म्यूनोट अगर मुझे हारमोनिक पता है तो मुझे सिर्फ उसको म्यूनॉट से मल्टीप्लाई तो करना है बिकॉज दैट इज दस ऑफ हारमोनिक कि उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल कितने बार आ रहा है तो सिक्स हारमोनिक को डिटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल छह बार आ रहा होगा तो इससे एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी है 6 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट हो गई, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 6 50 हर्ट्ज ये वाली वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ गई 300 हर्ट्ज दिक्कत बच्चों को आती है हार्मोनिक में नहीं आती दिक्कत उनको ओवरटोन में आती है तो ओवरटोन में बता तो दिया कि ओपन ऑर्गन पाइप में ये है हाँ जी ये हम लोग कर चुके हैं ना कि ओपन ऑर्गन पाइप में मेरे पास ये मसला है ओपन ऑर्गन पाइप में अगर nth ओवरटोन है तो प्लस वन होगा और उसी तरीके से अगर मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करूं तो यहाँ पर अगर एंथ ओवर टोन है तो देखो टू एन प्लस वन हारमोनिक होगा टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन टू मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस वन थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस वन फोर मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस वन

Manu, तुम्हें बोला जाए कि भाई एक क्लोज ऑर्गन पाइप है ठीक है? है, है उसकी वैल्यू है सेकेंड ठीक है और जो मेरे पास लेंथ ऑफ पाइप है उसकी वैल्यू टेन मीटर गिवन है अब तुमसे पूछा गया है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ है, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवर देखो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो लास्ट वाले सीनारियो में मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे दी थी अब कुछ तो नया ऐड करूंगी ना अब यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को निकालना है अगर समझ आ गया तुम्हें तो वीडियो को लाइक कर दोगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाई फोर एल होता है ना क्लोज ऑर्गन पाइप में तो वी की वैल्यू भी गिवन है आठ सौ है ना एल की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है दस तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी होगी ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई ट्वेंटी हर्ट्ज़

तो अगर सेकेंड ओवर टोन है तो ये फिफ्थ हारमोनिक होगा एसोसिएटेड so so फ्रीक्वेंसी होगी फाइव टाइम्स ऑफ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ही नहीं सकते मैं तुम्हें पीवा क्यू करवा देती हूँ ना अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पीवाई क्यूज की हेल्प से ही करेंगे जस्ट वन सेकेंड

तुम्हें बोला हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी लिखो इस चीज को तुम्हें बोला हुआ है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप की इट इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ़ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इसका मतलब थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप खत्म देखिए यही दिया हुआ है ना क्या बोल रहे हो अच्छा 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 अरे ये छोड़ दो ये क्वेश्चन पूछा गया था ये लो ये मिटा दिया मैंने ये मिटा दिया मैंने सेकेंड हारमोनिक का मतलब दिस आई एब्सोल्यूटली हेट डूइंग इन क्लास मतलब आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक एंड नाउ आई हैव अगर कमिंग बैक टू क्वेश्चन

देख लो, खतम। वी से मेरे पास कट गया तो मेरे पास यहाँ पर बन जाता है ओपन ऑर्गन पाइप इज थ्री क्लोज्ड ऑर्गन पाइप तो तुम्हें ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप गिवन है विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर और तुम्हें ओपन ऑर्गन पाइप निकालना है क्या दिक्कत है ये प्रीवियस क्वेश्चन है देख लो दो हज़ार अठारह का क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है तो तुम्हारे पास लो की वैल्यू कितने आ गई 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थ्री। देखो 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थ्री, जिसकी वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए के इक्वल टू आ जाती है ये हार्मोनिक समझ गए ना मतलब कितना मल्टीप्लाइड बाय द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो यहां पर बोला हुआ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप

तो वो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आगे टू ट्वेंटी और टू सिक्स तो तुमसे अभी यहाँ पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम तो तुम देखो ना मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में मेरे पास क्या होता है पहले म्यू नॉट आता है फिर मेरे पास थ्री म्यू नॉट आता है फिर मेरे पास फाइव म्यू नॉट आता है फिर मेरे पास इस तरीके से म्यू आता है एंड सो ऑन यही होता है ना तो तुम्हें बोला हुआ है कि जो डिफरेंस इन दी कि जो दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी वैल्यू है टू ट्वेंटी हर्ट एंड टू सिक्सटी हर्ट्स तो क्लोज ऑर्गन पाइप में दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस है इट इज टू टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देख लो तो अगर एक फ्रीक्वेंसी टू ट्वेंटी हर्ट है दूसरी फ्रीक्वेंसी थ्री दूसरी फ्रीक्वेंसी टू सिक्सटी हर्ट्स है मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है फोर्टी हर्ट्स दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई ट्वेंटी है तुम्हारे प्रीवियस क्वेश्चन हाउ सेल्ट क्वेश्चन कैसे बोलोगे की डिफिकल्ट क्वेश्चन है दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज देखे तुमसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है क्लोज ऑर्गन पाइप में तो क्लोज ऑर्गन पाइप में दो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो टू टाइम फ्रिक्वेंसी होता है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है चालीस हर्ट्स इट इज टू टाइम्स इ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई यह है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना अभी दो हजार सोलह का क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है जो सेकेंड ओवर टोन है एक ओपन ऑर्गन पाइप का और जो फर्स्ट ओवर टोन है एक क्लोज ऑर्गन पाइप का जिसकी लेंथ की वैल्यू है एल वो सेम है तो बताओ ये जो मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ कितनी है हद्दी है देखो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को देखो ये तुम्हारे पीवाई क्यूज है ना तो देखो ऐसा क्वेश्चन दो हजार अठारह में भी आया था ये जो फंडामेंटल है ओपन ऑर्गन पाइप की इट इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक मतलब थ्री टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप तो उसी तरीके से जो हमारा मिलता जुलता क्वेश्चन है वो हम लोगों को यहाँ पर 2015 में भी देखने को मिल रहा है तुम्हें तो बोला हुआ है कि भाई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है क्लोज ऑर्गन पाइप की सॉरी 2016 में भी देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंड ओवरटोन है ओपन ऑर्गन पाइप का उसकी उतनी ही फ्रीक्वेंसी है जितना फर्स्ट ओवरटोन की है एक क्लोज ऑर्गन पाइप की जिसकी लेंथ की वैल्यू है एल तो अभी तुमसे ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछी हुई है

तो तुम्हें यहाँ पर यही बोला हुआ है कि अगर मानो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है ठीक है अगर मानो जो क्लोज ऑर्गन पाइप है अगर उसकी वैल्यू एल है तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ कितने हो गई तो देखो ऊपर ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ आ गई टू एल डिफरेंट कैसे हो गया 2018 का क्वेश्चन और 2016 का क्वेश्चन देख लो डिटो सेम है बस जो वैल्यूज दी हुई हैं जिनको तुम्हें इक्वलाइज करना है वो डिफरेंट है वैसा ही क्वेश्चन देखो दो का भी है 2015 का ये क्वेश्चन है कि भाई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जिसकी लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर इट इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप तो फिर जरा सा बताओ ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ कितनी है तो अब ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जहां पर तुम्हें सिर्फ इन स्टेटमेंट्स को एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखना है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप की इट इज इक्वल टू द सेकेंड ओवर टोन सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप का मतलब थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप सो थ्री टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑर्गन पाइप लिखो तो ये मेरे पास आ गया वी डिवाइडेड बाई फोर टाइम्स इट इज थ्री टाइम्स तो ये मेरे पास आ गया, ओपन पाइप देखो एक बार है ना तो इन्होंने तुम्हें closed organ pipe की की दे दी, ये वाली वैल्यू तुम्हें बीस सेंटीमीटर दे दी देखो ये वाली जो लेंथ है तुम्हें बीस सेंटीमीटर दे दी अब लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप पूछा हुआ है तो वो मेरे पास आ रहा है फोर्टी सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई थ्री 120 सेंटीमीटर तीन क्वेश्चंस देख लो तीन क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर नेचर के अब यहाँ पर जो 2014 में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था ठीक है 2014 में तुमसे क्या पूछा गया कि बताओ कितने नंबर ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन पॉसिबल हैं एक ऐसे एयर कॉलम में जो दोन जो एक एंड से क्लोज्ड है मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ की वैल्यू है सेंटीमीटर ठीक है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ द साउंड की वैल्यू इतनी है तो तुमसे पूछा हुआ है कितने प्रेजेंट है जिसकी से से कम कम है है कि कितने हैं हैं कितनी जिनकी तो मैं पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालूंगी ना तो अगर मानो मेरे पास ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आगे मेरे पास बी बाई फोर एल तो वी की वैल्यू आगे मेरे पास थ्री फोर्टी ये मेरे पास आ गया फोर टाइम्स इतना है नहीं अब इसको जरा से देखो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है ये वाली वैल्यू देखना अगर मानो मैं पांच से कर दू इसको डिवाइड करो थ्री फोर्टी डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट एटी फाइव ठीक है तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई हंड्रेड हर्ट्स ये देखो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास हंड्रेड हर्ट्स तो तुम्हें अभी ये देखना है कितने ऑसुलेशन हंड्रेड हर्ट से कम है एक क्लोज ऑर्गन पाइप में तो क्लोज ऑर्गन पाइप में मुझे पता है सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर थ्री टाइम्स ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर मेरे पास फाइव टाइम्स ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर मेरे पास सेवन टाइम्स ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर मेरे पास नाइन टाइम्स ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर मेरे पास इलेवन टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा फिर मेरे पास थर्टीन टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा तो तुमसे पूछा हुआ है कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं जो वन टू फाइव ज़ीरो से कम है तो देखो ये पांचों की पांचों वन टू फाइव जीरो से कम है फिर बाद में ये भी वन टू फाइव जीरो से कम है तो वन टू फाइव ज़ीरो से कम मेरे पास छह फ्रीक्वेंसीज हैं ये देख लो एक दो तीन चार पाँच और छः वन टू फाइव जीरो से छोटी फ्रीक्वेंसी बोली हुई है ना तो यहाँ पर छ है सात कैसे आएगा एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह है ना तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आना चाहिए मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए कि भाई यहाँ पर छह फ्रीक्वेंसीज हैं जो वन टू फाइव जीरो से छोटी है यह तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी तरीके से अभी यहाँ पर दो हजार तेरह का क्वेश्चन देखना तुम्हें पूछा हुआ है कि अगर मानो मैं एक ऐसे पाइप को स्टडी करूं जो दोनों एंड से ओपन है इसका मतलब मैं एक ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रही हूं तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है देखते हैं तो ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स जनरेटेड होते हैं ये ट्रू है ओपन भी ओपन में हार्मोनिक्स uh, भी होते हैं और इवन हार्मोनिक्स भी होते हैं ओपन एंड के ऊपर एंटी नोड बनता है ये भी ट्रू है ऑर्ड हार्मोनिक्स बनते हैं ये भी ट्रू है तो ऑब्वियस बात है एक ही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इतने जन्म नई क्वेश्चन ज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट की ये जो हमारे पास टॉपिक है डायग्रामेटिक टॉपिक है और ये अब देखो हम लोग यहाँ पर पहुंच गए दो हजार तेईस के क्वेश्चन में देखो दो हजार तेईस में क्या क्वेश्चन आया था दो हजार तेईस में क्वेश्चन आया था वॉट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हारमोनिक वट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीकुंसीज ऑफ द फंडामेंटल हारमोनिक प्रोड्यूसड बाई एन ओपन ऑर्गन पाइप टू दैट ऑफ द्लोज ऑर्गन पाइप हैविंग देंथ तो रेशियो निकालना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की है डिवाइडेड बाय जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की उसकी वैल्यू कितनी है अगर दोनों की लेंथ सेम है तो ओपन ऑर्गन पाइप की वैल्यू आ जाएगी वी बाय टू एल क्लोज के लिए आ जाएगी वी बाय फोर एल तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई टू बाय कौन सा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर सी ये दो हजार तेईस का क्वेश्चन है

एंड यू नो अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज इट सिर्फ इतना पता होना चाहिए ये थोड़ा सा रेजोनेस कॉलम में से आ जाते इसको हटा देते हांजी अब बताओ क्या ये टॉपिक क्लियर हांजी क्या ये टॉपिक क्लियर देखो कित क्या फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें लिटरली मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ना मैंने तुम्हें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर जो स्टेशनरी वेव से एसोसिएटेड प्रायर नॉलेज चाहिए होती थी ना तो मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है और ना ही जब हम ओपन ऑर्गन पाइप में और क्लोज ऑर्गन पाइप में हम लोग आए तो इन दोनों के अलावा कोई फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कराया है सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है और उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर तुम लोग इतने सारे प्रीविय क्वेश्चन कर चुके ठीक है जी ओके सो आई एम होपिंग तुम लोगों को ये जो ऑर्गन पाइप्स का टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है हमारा टॉपिक नंबर बारह खत्म जैसे हमारी क्लास में प्रथा चलती है जो भी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे अपने अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएंगे हमारे ट्वेल्थ टॉपिक खत्म क्लास क्लास खत्म होते ही जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें तुम्हारा हैश टॉपिक का कमेंट मुझे दिख जाना चाहिए इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक बच्चों नहीं किया है और अब हम लोग मिलेंगे सैटरडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्पेक्ट्रम को खत्म करने के लिए ठीक है जी चलो थैंक यू सो मच एवरी वन गुड बाय गुड बाय